बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना के कोहराम की खबर के साथ, जिसने पूरी दुनिया में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा कर दी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे और बताएंगे कि संकट दरअसल कितना बड़ा है। 124 देशों में कोरोना फैल चुका है, 4600 से ज्यादा मामले पूरे देश भर में सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना का कहर जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर अब कोरोना के चलते कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना कैसे 124 देशों में फैल चुका है, 4600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1.25 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और अब तक कोरोना के 75 केस सामने आ चुके हैं। कल कर्नाटक के कलबुर्गी में मौत का पहला मामला सामने आया। 124 देशों में कोरोना अपना कहर फैला चुका है। अगर राज्यों की बात कर ले तो दिल्ली में 6, हरियाणा में 14 और केरल में 17 मामले सामने आए हैं। ये देखिए किस तरह से अब 1.25 से ज्यादा प्रभावित लोग भारत में कोरोना के 75 मामले, किस तरह से कोरोना का कहर अब पूरे दुनिया में नहीं देश में भी देखा जा सकता है। 13 राज्यों में कोरोना का कहर है, 13 राज्य इसकी चपेट में हैं। यहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश में कोरोना से कल पहली मौत हुई है और इसी के चलते अब अलग अलग एहतियातन इंतजाम किए जाने लगे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग वो राज्य जहां पर कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 6, केरल में 17, हरियाणा में 14, यूपी में 11, महाराष्ट्र में 11 और साथ ही राजस्थान में 3 मामले सामने आए हैं। कहां कितने कोरोना के मरीज हैं, ये दरअसल इन ग्राफिक्स के जरिए साफ हो रहा है कि यहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अभी तक देखे गए हैं। तेलंगाना में हालांकि 1 मामला है, लद्दाख में 3 मामले हैं, तमिलनाडु में 1 मामला है, वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले 1 मामला, पंजाब में 1 मामला और साथ ही कर्नाटक में 1 संभावित, कर्नाटक में 4 संभावित केस सामने आए हैं। स्कूल कॉलेज सभी एहतियातन 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के सभी स्कूल बंद हैं, आईआईटी दिल्ली और डीयू में क्लासेस बंद कर दी गई हैं और साथ ही आपको ये बता दें कि कोरोना के चलते आईएम अहमदाबाद का दीक्षांत समारोह आगे बढ़ा दिया गया है, उसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, ऐसे में ये लोग यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा ना हो पाए, इसी वजह से सिनेमा घरों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर इस वक्त सन्नाटा है, एयरपोर्ट अगर आप जाएंगे तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको जरूरी यात्रा करनी है वही एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र को 1 हफ्ते पहले अपने तय डेट से खत्म कर दिया गया है क्योंकि कोरोना के चलते वहां पर भी एहतियातन ये कदम उठाया गया है। सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है, इसमें मेट्रो ट्रेन शामिल है, इसमें रेल शामिल है, ये वो आवागमन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जगह है जहां पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ऐसे में इन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली से इटली, मिलान, सियोल की सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोरोना के चलते अलग अलग जगहों पर एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं और कोरोना ने किस तरह से पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 15 मरीज सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा 75 तक पहुंच चुका है। भारत में कोरोना ने ली पहली जान। तिहत्तर से ज्यादा लोग संक्रमित, तेरह राज्यों में सेंध, जिसका डर था वही हुआ। हिंदुस्तान में लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच कर्नाटक से बुरी खबर आई। कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। भारत में कोरोना वायरस से मौत का ये पहला मामला है। ये मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई है। मृतक की उम्र 76 साल बताई जा रही है। मरीज सऊदी अरब से लौटा था। Unfortunately, there is one incidence in from Gulbarga who had traveled to Saudi Arabia for this religious trip to Mecca and Medina.
And after his return, initially one day he has taken some kind of treatment in private. Then he came to our medical college in Kalburgi. Again, after a day or two, his relatives have taken him to Hyderabad. Finally, when he was brought back into our medical college, I think he was brought dead. वहीं भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के अंदर 15 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और भारत में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 75 हो गया है। दिल्ली में 6, हरियाणा में 14, केरल में 17, राजस्थान में 3, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश में 11, लद्दाख में 3, तमिलनाडु में 1, जम्मू कश्मीर में 1, पंजाब में 1, कर्नाटक में 4 और महाराष्ट्र में 11 कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पे जाके 3 घंटा लगा के उसका एक एक, जब 4 फ्लाइट भी एक साथ आ जाए तब भी क्या कोई मिस होने की संभावना है, उसको भी हमने पूरा डिटेल में एसेस किया है। और खाली स्क्रीनिंग में अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है पॉजिटिव जो है 2 दिन के बाद नहीं हो सकता। ये हमारे जो पहले 7 एयरपोर्ट हमने 17 जनवरी को जिनके ऊपर स्क्रीनिंग शुरू की थी, उसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोची इज अमंग द फर्स्ट 7। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेश न जाने की अपील की है। दहशत को ना कहिए, सावधानी को हाँ कहिए। आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मंत्री विदेश नहीं जाएगा। मैं देशवासियों से भी अपील करता हूँ कि बहुत जरूरी ना हो तो विदेश ना जाएं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन और इसराइल के प्रधानमंत्रियों से कोरोना को लेकर फोन पर बातचीत की और इस महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। वहीं सबसे ज्यादा नजर विदेश से आने वाले लोगों पर है। देश भर में कोरोना के 52 टेस्टिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा 56 सैंपल एकत्र करने वाले सेंटर भी बनाए गए हैं। सरकार की तरफ से 30 से 40 हजार लोगों पर नजर रखी जा रही है। देश के 30 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ड्यूटी फ्री क्षेत्र में 15 देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। भारत ने दुनिया के किसी भी देश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया है। कार्ड होल्डर को दी जाने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा भी 15 अप्रैल तक के लिए रोक दी गई है। भारत के सामने एक बड़ी समस्या विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाना है। ईरान में करीब 6000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिसके लिए डॉक्टरों से लैस टीम 150 भारतीयों को आज जैसलमेर लाएगी। 58 इंडियन पिलग्रिम्स, 25 मेन, 31 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन हु टेस्टेड नेगेटिव वर रिपैट्रिएटेड इन IAFC 17 स्पेशल फ्लाइट ऑन 10th मार्च। We have also received samples of 529 more Indians on this flight, which have been tested in the National Institute of Virology, Pune. So far, 299 of them have tested negative. Some more results are awaited. जैसलमेर में इन लोगों के लिए ठहरने के लिए भारतीय सेना ने खास इंतजाम किए हैं। वहीं सेना ने देश के बाकी हिस्सों में भी युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, अगले 2-3 दिनों में हम अपने और नागरिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से। इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है और कलकत्ता, चेन्नई, जोधपुर, जैसलमेर, गोरखपुर, देवलाली, झांसी जैसे शहरों में हमारी तैयारी पूरी है। जैसे जैसे नागरिक आते जाएंगे, हम उनको इन फैसिलिटीज़ में उनको हम देख रेख करेंगे। बहरहाल कोरोना को हराने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। बस जरूरत है थोड़ी सावधानी बरतने की। आज तक ब्यूरो।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कोरोना पर और ज्यादा चर्चा के लिए, डॉक्टर अमितेश आनंद सीधे कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये एक वैज्ञानिक है। साथ ही हमारे साथ हिमांशु मिश्रा आरएमएल अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र सिंह आईटीबीपी कैंप छावला से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अमितेश, आपका रुख करते हुए, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, हर कोई यही जानना चाहता है कि कब इससे निजात मिल पाएगा, कब इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार हो पाएगी और इसके लिए एहतियातन क्या कोई वैक्सीन या फिर कोई हम ले सकते हैं? जहां तक बात आप वैक्सीन की कर रहे हो तो अभी हमारे पास इसके लिए कोई क्लियर आंसर नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि जो वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश सार्स के लिए की जा रही थी, जो कि 2002-2003 में इंफेक्शन फैला था, वो वैक्सीन अभी कोविड-19 पे भी इफेक्टिव पाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उस वैक्सीन को हम लोग अभी तक एक्चुअल ट्रायल्स में नहीं ला पाए हैं, वो भी अभी तक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ही रहा है, तो समय लगने वाला है और मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ कि 6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा। अभी फिलहाल हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो इसके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना ही है। ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर अमितेश कई सारे ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, एक दूसरे के संपर्क में किस तरह से बचा जाए इसके लिए भी तमाम बातें बताई जा रही है। आपके अनुसार क्या है सबसे बढ़िया रेमेडी जिसके चलते इस पूरे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? अभी एक टर्म जो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। ऑल्दो ये थोड़ा सा एंटी सोशल या फिर ए सोशल टर्म साउंड होता है, लेकिन अभी के सिचुएशन में ये बहुत कारगर टर्म है। इसका मतलब ये है कि हम जितना हो सके लार्ज गैदरिंग से बचें, सिनेमा हॉल्स या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो हम वहां न जाएं, जितनी हो सके हम किसी भी ऐसी गैदरिंग से बचें, या फिर अगर हमें लग रहा है कि किसी में किसी तरह का सिम्टम है तो उससे कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करना है। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है इस कोविड-19 के साथ कि ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन वाला वायरस है। आप देखोगे तो इसकी जो ट्रांसमिशन की एबिलिटी है वो फ्लू के जैसी है और इसकी जो डिजीज सिवियरिटी है वो सार्स के जैसी है। और इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका 2 पोर्शन होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि हमारे नेजल कैविटी से लेके नेक रीजन तक आता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि ऑल द वे हमारे लंग्स तक जाता है। कोविड-19 जो है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ईजिली रेप्लीकेट करता है, मतलब कि अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और इस वजह से इसका जो सिम्टम डेवलप होता है वो बहुत स्मूथली डेवलप होता है, एब्रप्ट सिम्टम डेवलप नहीं होता है। तो किसी को हम जब तक नोटिस करें कि इसके अंदर सिम्टम है तब तक वो ऑलरेडी एक वेक्टर बन चुका होता है इस डिजीज का, वो ऑलरेडी बहुत लोगों को तो इस लोगों तक इसको स्प्रेड कर चुका होता है। इनफैक्ट साउथ कोरिया में जो एक टर्म बहुत ज्यादा फेमस हुआ है आज की डेट में देश दुनिया में भी उसको हम जान रहे हैं, जिसको कि हम पेशेंट 31 कहते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि साउथ कोरिया में 30 केसेस थे, सब कुछ बहुत कंट्रोल में माना जा रहा था, अचानक से एक ओल्ड लेडी का केस आया जो कि पेशेंट 31 है, उसके बाद से वहां पे जो डिजीज के केसेस बढ़े हैं दैट वो एक पूरा एक्सपोनेंशियल था। तो इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जितनी भी हो सके ट्रांसमिशन को रोकना है। ट्रांसमिशन को रोकना यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना, ये सबसे बड़ा उपाय यहाँ पर डॉक्टर अमितेश बता रहे हैं। जितेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईटीबीपी कैंप से। जितेंद्र, आईटीबीपी कैंप एक ऐसी जगह जहां पर काफी क्लोज कॉन्टैक्ट में ये सभी लोग रहते हैं, ऐसे में वहां पर बचाव के क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं और यहां पर क्या निर्देश दिए गए? देखिए नेहा, आईटीबीपी कैंप जो है ये काफी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आईटीबीपी कैंप में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, यानी कि चीन के वुहान से जो लोग आए थे उनको यहाँ पर रखा गया है। ये 112 लोगों की संख्या जो दूसरे बैच में आए थे उनको यहाँ पर रखा गया है। इनका 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा हो चुका है और आज इनको यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आईटीबीपी ने सफलतापूर्वक 406 लोगों को जो पहले बैच में आए थे उन लोगों को यहाँ पर रखा था और उनको भी सफलतापूर्वक यहाँ से हटाया था। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया है कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए बचाव करने का जो तरीका होता है, अगर किसी भी व्यक्ति में निगेटिव कोरोना वायरस पाया जाता है उसके बावजूद भी उसको 14 दिनों तक रखा जाता है क्वारंटाइन में, और इसके लिए पूरी तैयारी आईटीबीपी की तरफ से की गई थी। 14 दिनों तक जो इन लोगों को रखा गया था, 27 फरवरी को लोग आए थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है, आज इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। ये चीन के वुहान से सारे लोग आए थे। इन 112 लोगों में से
जो 36 लोग थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे, वो चीन से भी 5 लोग इसमें शामिल थे और इसमें विदेशों से भी लोग मौजूद थे। तो आईटीबीपी ने सफलतापूर्वक इनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया है और उसके बाद इनके जो भी सैंपल हैं वो निगेटिव पाए गए हैं। आज 112 लोगों को यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली में भी कोरोना अब महामारी हो चुका है, जिससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने भी कमर कस ली है। दिल्ली में स्कूल और सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है, वहीं अस्पतालों में कोरोना के लिए खास इंतजाम किए गए। स्कूल कॉलेज बंद, सिनेमा हॉल बंद, राष्ट्रपति भवन बंद। दिल्ली में अब कोरोना महामारी हो चुकी है। केरल और हरियाणा के बाद दिल्ली देश का तीसरा राज्य है जहां कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। राजधानी पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है और एहतियात के तौर पर सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। जिन स्कूल कॉलेजों में परीक्षाएं हो चुकी हैं उन्हें भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। अस्थायी अस्पतालों को बनाने का फैसला भी हुआ है। आईआईटी दिल्ली और डीयू ने भी 31 मार्च तक क्लास बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों को यानी दफ्तर, दुकान, मॉल को रोजाना सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली से इटली, मिलान और सियोल जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। एक तो ये कि सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे। बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो क्वारंटाइन करने के लिए सफिशेंट बेड्स हम लोगों के पास हैं, मतलब अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन करना है, तो उसके लिए सफिशेंट बेड्स का इंतजाम किया गया है। नोवेल कोरोना वायरस के फैलने की वजह से एहतियातन 13 मार्च से अगले आदेश तक राष्ट्रपति भवन भी बंद रहेगा। राष्ट्रपति भवन, म्यूजियम कॉम्प्लेक्स और चेंज ऑफ गार्ड समारोह को अगले आदेश तक आम जनता नहीं देख पाएगी। वहीं दिल्ली में कोरोना को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जजों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना को लेकर मंथन किया गया। कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां बढ़ाने या कोर्ट के कामकाज को सीमित करने पर न्यायाधीश आज कोई फैसला ले सकते हैं। दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें रवाना करने से पहले नियमित तौर पर डिपो पर साफ की जाती हैं। एहतियात के तौर पर मेट्रो ट्रेनों और स्टेशन की और गहनता से साफ सफाई हो रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी अपनी ओर से सावधान होने का दावा कर रही है। तो कोरोना वायरस के लिए जब पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है तो मास्क का हमने बोला कि मैंडेटरी है यूज़ करने के लिए, और हाथ का हाइजीन जैसा कि आप मीडिया में भी देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कुछ भी अल्कोहल रब अपना यूज़ करें या हैंड वॉश की फैसिलिटी आसपास जरूर इस्तेमाल करें। दिल्ली में कोरोना को लेकर इन सावधानियों के बीच एक इलाके में तनाव भी फैल गया। दरअसल द्वारका के सेक्टर 16B में सरकारी फ्लैट्स में स्वास्थ्य विभाग कोरोना सेंटर बना रहा था, तो आस पड़ोस के लोगों ने इसका विरोध किया। नौबत ये आई कि भारी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। लोगों का कहना है कि कोरोना सेंटर आबादी से कहीं दूर बनाया जाए, नहीं तो उनमें भी संक्रमण फैलेगा। इसलिए है जी कि यहाँ पर 88 मरीज जो है कोरोना वायरस के वो लाए जा रहे हैं। हम लोगों का ये कहना है कि भाई आप ये जो रेजिडेंस एरिया है इसके बिल्कुल 100 मीटर के फासले में है, इस जगह ना रख के कहीं और रखे जाए। यहाँ से बीमारी फैलने का, इन लोगों में फैलने की आशंका है। बहरहाल दिल्ली ने कोरोना को हराने की ठान ली है। एयरपोर्ट से लेकर व्यस्त जगहों तक सारे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इस महामारी को भारत से भगाया जा सके। दिल्ली से प्रशांति शांडिल्य और अनिल बाल्यान के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज शेयर मार्केट जब खुला है तो धड़ाम हो गया है। सेंसेक्स में 2600 अंक से ज्यादा की गिरावट, वहीं निफ्टी में 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। कल भी इसी तरह की गिरावट हमने शेयर बाजार में देखी थी, आज वही गिरावट एक बार फिर से देखी जा रही है। जब से शेयर बाजार खुला है, इसे दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही जिस तरह से निवेशकों का नुकसान हो रहा है वो भी लगातार सोमवार से ही जारी है। सेंसेक्स संभल नहीं पा रहा है, 2600 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज सेंसेक्स में दर्ज की गई है अभी तक। राजीव दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिजनेस टुडे मैनेजिंग एडिटर। राजीव जी, जिस गिरावट की हम कल बात कर रहे थे, ब्लड बाथ जो हमने कहा था, आज भी वही जारी है। कोरोना का असर और साथ ही जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पे मंदी का साया है वो भी दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। जी देखिए, कल रात को करीब 7-8 बजे के करीब जब अमेरिकन मार्केट खुले थे तो उस वक्त डाउ जोन्स जो है वो 7-8% ऑलरेडी गिर चुका था। तो इससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज जब मार्केट खुलेगा भारत में और बाकी एशियन कंट्रीज में तो यहाँ पर भी मार्केट गिरेगा, और वही हुआ है। जो 2600 पॉइंट की आप गिरावट देख रहे हैं वो प्री मार्केट ट्रेड में ही 1500 पॉइंट के ऊपर गिर चुका था। पूरी दुनिया में इस वक्त जो कोरोना वायरस का जो भैट छाया हुआ है और जो अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ने वाला है उसकी वजह से जो चिंता हो रही है दुनिया भर की इकोनॉमीज में वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। जो आप आज मार्केट में देख रहे हैं 34 से 35 लाख करोड़ कल शाम तक जब हमारा मार्केट खुला था तब तक जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। इतना नुकसान जो है, राजीव जी 3100 अंक हो गए हैं, 3100 अंक से ज्यादा की गिरावट हो गई है अब। एग्जैक्टली, तो देखिए अभी ये फ्री फॉल में है मार्केट। आप दर्शकों को बताना चाहिए हमको कि ये इस वक्त किसी को भी मार्केट में पैसा लगाने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ्री फॉल में जब मार्केट होता है और इसके बाद जो बैकड्राफ्ट होता है मार्केट का वो अगले कुछ दिनों तक चलता रहता है। तो ये एक तरह से कंप्लीट फ्री फॉल में है इस वक्त मार्केट, किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है और किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में। तो इस वक्त मार्केट में पैसा लगाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और आपका पैसा पूरी तरह डूब सकता है। रवीश सिंह मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश जी, ये जो रैली जारी है नीचे की ओर शेयर बाजार की, ये कब तक रहने वाली है और कब इससे निवेशक उबर पाएंगे, क्योंकि काफी पैसा उनका डूब गया है? देखिए, अब तक करीब हाल फिलहाल में दो सेशन में अगर देखा जाए तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर मार्केट से साफ हुए हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जिस तरीके से गिरावट अभी जारी है, यूएस, यूरोप, एशिया, इन सभी मार्केट की जब तक गिरावट अभी यहाँ पर थोड़ी थमेगी नहीं तब तक भारतीय बाजार उससे उभरता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि फंडामेंटल भले यहाँ पर स्ट्रांग हो, लेकिन जब गिरावट आती है तो मार्केट के यहाँ पर मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है। बाहर के बाजारों में भी जो एल्गो ट्रेडिंग या फिर लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्जिन जिनके कम हो गए हैं, इसकी वजह से भी ये भयानक तरीके की गिरावट है, और अभी ये गिरावट फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आएगी। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, एक बार निफ्टी में यहां से और गिरावट देखने को मिलेगी, और लगभग रवि जी निफ्टी में तो ट्रेडिंग बंद कर दी गई 1 घंटे के लिए, इसके पीछे वजह? देखिए, एक रूल होता है कि जब भी 10% की गिरावट होती तो मार्केट को थोड़ी देर के लिए एक्सचेंज को बंद करना पड़ता है, नहीं तो जो भारत के ब्रोकर हैं वो मार्जिन यहाँ पर शॉर्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक बार को ट्रेडिंग रोकी जाती है कि ऐसा चेक किया जाता है सिस्टम को कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हैवी सेलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया हो। इस तरह की वजह के लिए यहाँ पर मार्केट को थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। तो 10% का सर्किट ट्रिगर हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट को अभी बंद किया गया है, और थोड़ी देर बाद मार्केट आपको यहाँ पर खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर और बढ़ा तो 12% के बाद फिर से मार्केट को यहाँ पर एक बार को बंद किया जाएगा। तो रवि जी, निवेशकों को आपकी सलाह क्या करना चाहिए? देखिए,
देखिए निवेशकों के लिए अगर आप मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक यहाँ पर निवेश करने से बचना चाहिए। और जिन लोगों के पास पोजीशन है, पहले से बाय किया हुआ है लॉन्ग टर्म, जिनका पांच साल का नजरिया होता है, तीन साल का नजरिया होता है, उनको बहुत घबराने की बात नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसी गिरावट आती है और लंबे समय में ये सारी चीजें वापस से रिकवर कर जाती हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस, क्रूड ऑयल की वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब चीजें इस समय ट्रिगर कर रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट अभी जारी है, तो इन्वेस्टर को थोड़ा बचना चाहिए। तीन बड़ी वजह रवि जी इस तरह की फॉल के लिए, और कब तक करेक्शन की उम्मीद करें? देखिए तीन बड़ी वजह तो क्लियर कट है कि मार्केट में जो जैसे कि कोरोना वायरस यहाँ पर एक इम्पैक्ट हाथ जिस तरीके से हाथ फैलता जा रहा है, या फिर WHO ने यहाँ पर एक महामारी घोषित की है, उसके बाद से काफी हद तक ट्रिगर हुआ है। और अभी बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें केसेस जो है वो पूरी तरह से नहीं देखने को मिल रहे हैं या फिर रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, तो इसका एक जो डर फैला है वो इकोनॉमी में काफी हलचल पैदा की। दूसरी तरफ है कि जिस तरीके से कच्चे तेल के भाव यहाँ पर रशिया और सऊदी अरेबिया के टकराव की वजह से गिरावट आई है, उससे मंदी का दौर I think some measure government will take to sustain the market and give a booster to the market. कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है और अपनी सेहत को लेकर लोग किसी तरह से जागरूक हो रहे हैं। इससे शेयर बाजार में भी कोहराम है। भारी गिरावट को देखते हुए शेयर बाजार ने ट्रेडिंग रोक दी है। दरअसल आज खुलते ही शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया। एक बार जब गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो 10 मिनट के भीतर 3,214 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में भी 800 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। हालात को संभालने के लिए निफ्टी में लोअर सर्किट लगा दिया गया। जब बाजार 10% गिरता है तो लोअर सर्किट लगाया जाता है और थोड़ी देर में सेंसेक्स की ट्रेडिंग भी रोक दी गई है। आपको ये बता दें कि एक घंटे के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग रोक दी गई है, उसके बाद शेयर बाजार खुलेगा लगभग एक घंटे के बाद। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, निवेशकों की क्या राय है, लॉन्ग टर्म में क्या निवेश करेंगे, या फिर इस तरह का जिस देखा जा रहा है शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला, उसको देखते हुए अभी सब सतर्क है? बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि एक तरह से पैनिक मोड है यहाँ पर, सतर्कता की बात नहीं है। जिस तरह से मार्केट में आज गिरावट देखी गई, इतिहास में दूसरी बार सत्यम कंप्यूटर्स के स्कैम के बाद लोअर सर्किट निफ्टी पर लगाना पड़ा है, जिससे एक तरह से आप कह सकती हैं कि जो माहौल इन्वेस्टर्स में है, एक्सपर्ट्स में है, वो काफी भयभीत होने वाला है। क्योंकि वर्ल्ड ओवर डो जोन्स हो या बाकी एक्सचेंजेस हो जहां पर ये चीजें देखी गई, इतनी भारी गिरावट देखी गई और शेयर मार्केट और दलाल स्ट्रीट पर सन्नाटा जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो इसी बात को लेकर है कि कोरोना वायरस का खतरा थमता नहीं दिख रहा। इसीलिए एक घंटे के लिए अभी ट्रेडिंग रोकी गई है। NSE और BSE दोनों एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग इस वक्त नहीं हो रही है और वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी हाई है। बाद में भी ट्रेडिंग हो पाएगी या नहीं इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यह भी कहना है कि जो अच्छे शेयर्स हैं, इंफोसिस, TCS और बाकी शेयर्स जिसमें अच्छे निवेशकों को रिटर्न्स मिलते रहे हैं, उनसे पैनिक होकर एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोअर सर्किट तभी लगता है जब लोग ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करते हैं और बाइंग बिल्कुल भी नहीं होती, और आज वही हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट जो है आज के दिन को दलाल स्ट्रीट पर ब्लैक फ्राइडे का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल, ब्लैक फ्राइडे यहाँ पर मुस्तफा दिखाई दे रहा है। पैनिक मोड में इस वक्त निवेशक हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से जो लगातार नीचे की ओर सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़क रहे हैं, ये आखिरकार कब थमेगा, कब जाकर शेयर बाजार में करेक्शन देखा जाएगा। मुस्तफा, पैनिक मोड तो अपनी जगह है ही, लेकिन सोमवार से ही इस तरह की गिरावट देखी जा रही है सेंसेक्स निफ्टी में, वहां पर निवेशकों में किस तरह का डर, किस तरह का माहौल और खौफ है? बिल्कुल, इस वक्त अगर आपको दलाल स्ट्रीट की हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं तो ज़्यादा भीड़ भी देखने के लिए नहीं मिल रही है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो आप माहौल यहाँ पर देख रहे हैं ये काफ़ी डरावना है। सर, आप एक निवेशक हैं, इस फॉल के बारे में, शॉर्ट्स लोअर सर्किट लगने के बारे में क्या कहें? लोअर सर्किट तब लगता है जब खाली सेलर्स होते हैं मार्केट में, और मुझे आज दिखाई दे रहा है कि 100 से भी ज़्यादा, मतलब 200% सेलर्स खड़े हैं, तो लोअर सर्किट खुलने की संभावना नहीं लग रही है। क्योंकि कल ही WHO ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक कहा है, तो तब तक
जब तक वर्ल्ड लीडर्स कुछ कर रहे हैं नहीं, इसका क्योर नहीं निकाले, सॉल्यूशन नहीं निकाले, आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू टेक अ रिबाउंस. एंड मार्च हिस्टोरिकली इट इज कंसिडर्ड एज अ वर्स्ट मंथ इन द हिस्ट्री फॉर द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स. तो ये अगले 15 दिन और बाकी है मार्च में, तो मुझे पता नहीं निफ्टी कहाँ जाएगी. गॉड ब्लेस टू एवरीवन. में महाराज ने सियासत को नई हवा दे दी है. शिवराज और महाराज की जोड़ी अब नए तेवर में दिखाई दे रही है, जिनके निशाने पर कमलनाथ है. तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे. कल तक तो कहते थे महाराज महाराज, अब जब ने माफ किया है मध्य प्रदेश की सियासत का ये नया समीकरण है. शिवराज और महाराज एक साथ डिनर का लुत्फ उठा रहे हैं. रात को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज के घर पहुंचे, तो मामा गेट पर ही फूलों के साथ अपने परिवार के साथ सदस्य का स्वागत करने पहुंचे. वहीं ज्योतिरादित्य ने भी शिवराज के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. शिवराज के घर का खाना खाने के बाद अब महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया पर शिवराज सिंह चौहान को दोबारा सीएम बनाने की जिम्मेदारी है. वहीं बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बार फिर संसद पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया है. ऐसे में अब इस जोड़ी का अंदाज ही कुछ अलग नजर आ रहा है. अच्छा, बनना किसी और को था, बन कोई और गया. हम उस समय भी कहते थे आमना सामना तो आपसे ही था. अगर प्रदेश में दो नेता हैं जो शायद अपने गाड़ी में एयर कंडीशन ना चलाएं, तो वो केवल शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया. और शिवराज सिंह जी, मेरी आशा है कि आप एक हैं और हम एक हैं, और जब एक और एक मिल जाए तो दो नहीं होना चाहिए. शायद इसी का नाम सियासत है. आज मामा भांजे एक हो गए, तो वहीं दो गहरे दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं. ये विचारधारा की लड़ाई, क्लियर कट, ठीक है. एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है. वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाएं, उनका स्वागत है. मैं उन आरोपों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जीवन की शैली और मेरा पिछला 18 साल का जनसेवा का इतिहास ही उनके लिए पुख्ता जवाब होना चाहिए. आज ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं, जहां से वो राज्यसभा के लिए नामांकन भरने जाएंगे. जिस तरह से कल भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का जोरदार स्वागत किया, उसे देखते हुए आज महाराजा का नामांकन भी भव्य होने वाला है. उधर मध्य प्रदेश में देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अनुसूचित जाति के नेता फूल सिंह बरैया को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है. आखिरी सांस तक मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम करूंगा. मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है. बहरहाल मध्य प्रदेश में सियासी हवा बड़ी तेज चल रही है, और बीजेपी के नए नवेले ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां महाराज नजर आ रहे हैं. श्वेता सिंह के साथ रवीश पाल, भोपाल आज तक. कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की विदाई को लेकर खलबली है. पार्टी के नेता खुलकर सिंधिया पर हमला बोल रहे हैं. हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं को सिंधिया का यूं चले जाना अखर भी रहा है. वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के गिरेबान में झांकने का वक्त आ गया. ये तस्वीरें कांग्रेस को कचोट रही होंगी. सिंधिया का ये सम्मान कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ा है. क्या हालात का सही आकलन करने में बड़ी गलती हो गई? सिंधिया के यूं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाने पर सोनिया गांधी खामोश हैं, राहुल गांधी चुप हैं,
प्रियंका की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। ज्योतिरादित्य गांधी परिवार के अजीज थे, राहुल गांधी की कोर टीम में थे, लेकिन मध्य प्रदेश की जीत ने रिश्तों की जड़ें हिला दी। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने से महाराज की महत्वाकांक्षा पर पानी फिर गया और फिर कमलनाथ दिग्विजय की जुगलबंदी ने सिंधिया को इतना झकझोरा कि वो अलग नाव पतवार लेकर आगे बढ़ गए। राहुल गांधी सिंधिया की विदाई पर एक ट्वीट कर चुप्पी लगाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ज्वार भाटा उठ रहा है। उनका मध्य प्रदेश की जनता की क्या हालत थी उससे दुख का कोई लेना देना नहीं था। उनकी व्यक्तिगत जो दुख था वो ज्यादा सर्वोपरि था। ठीक है, वो चले गए, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन ये कहना कि कोई वो जनहित में जा रहे हैं, जनता के लिए जा रहे हैं और ये सरकार काम नहीं कर रही थी, ये सरकार इनके काम हो सकता ना कर रही हो, इनके जो इनके अपने सत्ता बढ़ाने के या इनके लोगों के निजी स्वार्थ को ना पूरा कर रही हो। राहुल गांधी जी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि तन्हा ये व्यक्ति थे जो मेरे घर में किसी भी समय बिना रोक टोक के आ जा सकते थे। ये सौभाग्य किसको मिलता है? उनको था और उनकी परिस्थितियां रही होंगी। कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया है, लेकिन सिंधिया से सहानुभूति रखने वाले लोग भी हैं, जिन्हें लगता है कि पार्टी ने सिंधिया संकट को ठीक से हैंडल नहीं किया। सचिन पायलट को सिंधिया का जाना अखर रहा है। पायलट ने ट्वीट कर कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है पार्टी के अंदर का विवाद सुलझाया जा सकता था। सचिन पायलट को सिंधिया के जाने का मलाल है तो गहलोत सिंधिया पर खुलकर हमले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे हैं, कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये अफसरवादी लोग हैं, पहले चले जाते ठीक रहता, इनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, 18 साल में 17 साल तक इनको पदों पर रखा है, मेंबर पार्लियामेंट रखा है, केंद्रीय मंत्री बनाया है और मौका आने पर मौका परिस्थिति दिखाई है, इनको जनता माफ नहीं करेगी। उसको मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है। बिल्ली के भाव से सीखा नहीं टूटता। और मध्य प्रदेश के बारे में ये कांग्रेस से जाने वाले लोग हैं वो हमेशा हमने देखा है कि गुर्राते हुए जाते हैं और धूम दबा के आते हैं। सिंधिया 18 सालों से कांग्रेस में थे, शुरुआती हिचक के बाद कांग्रेस के नेता अब सिंधिया पर पूरी तरह हमलावर हैं। बस कांग्रेस नेताओं की बेचैनी इस बात को लेकर है कि पार्टी कब तक यूं औंधे मुंह गिरी रहेगी, कब नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला खत्म होगा। भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।